अब आपको आराम की जरूरत है। तेरी बातों से ही मुझे आराम मिल गया है लाका। अब मुझे ताकत और राहत महसूस हो रही है। अब उस हाथी को मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता है, कोई भी नहीं। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया शर्जील। अगर हातिम को उन सवालों को पूरा करते हुए कुछ हो गया तो अगर सरकार ने किसी तरीके से उस सदियों पुराने जोड़ को तोड़ दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस दुनिया में सिर्फ अंधेरा होगा। शैतान की हुकूमत में यह दुनिया कायनात की सबसे अंधेरी जगह बन जाएगी। हातिम को होश आ गया। वो ठीक है अपन, हातिम पे आया हुआ खतरा टल गया। या खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है। हातिम समझ तुम्हें पता है रोते हुए तुम्हारी नाक टेढ़ी लगती है। संभालो इसको। अम्मा की लालटे अम्मा जुम्मन छप्पी डाल के मारी डालोगे क्या? शर्जील है और ये है कशमान। इन दोनों ने तुम्हें ठीक करने में हमारी बहुत मदद की। मैं आप दोनों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आप दोनों के बिना हम कुछ नहीं कर पाते और तुम्हारे बिना मैं भी। हम सबकी मंजिल एक ही तो है ना? घड़ी तक पहुंचने पर ही आपको पूरा जोर लगाना होगा।
क्योंकि जितनी जल्दी आप और हातिम के बीच का ये रूहानी जोड़ टूट जाए, उतनी ही जल्दी आप हातिम को खत्म कर सकेंगे। इलाका, पहले मुझे उस हातिम को आगे बढ़ने से रोकना होगा। वो जितना आगे बढ़ेगा और सवालों के जवाब देता जाएगा, मेरी ताकत उतनी ही कम होती जाएगी और मैं उसे ये करने नहीं दूंगा। पर आप करेंगे क्या मेरे आका? माना कि मैं उससे खुद नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पर मेरे प्यादे तो ये काम कर सकते हैं ना लाका। एक इक्का है अभी मेरे पास है, बाबा। जब मैं जरगाम से लड़ रहा था तो अचानक से मेरी तलवार में एक रोशनी, एक ताकत आ गई। मैंने खुद भी उसे महसूस किया। उन सात सवालों में बहुत ताकत छुपी हुई है हातिम, और जैसे जैसे तुम इन सवालों को हल करते जाओगे, ये ताकत और भी बढ़ती जाएगी। आसमानी फरिश्तों ने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा है, उसे पूरा करने में यही ताकत तुम्हारी मदद भी करेगी। लेकिन बाबा, आप कैसे जानते हैं कि आसमानी फरिश्तों ने मुझे ही चुना है? पता होना जरूरी नहीं है हातिम, यकीन होना जरूरी है। बाबा, आपको देखकर ऐसा क्यों एहसास होता है कि मैं आपको पहले से जानता हूं? कोई पुरानी पहचान है हमारी। हम अपनी जान आपके हवाले कर रहे हैं, इसकी हिफाजत कीजिए। बाबा, आप अगर मेरे बीते हुए कल के बारे में कुछ जानते हैं तो बताइए ना। पीछे मुड़कर देखने से आगे का सफर तय नहीं किया जा सकता। अभी जरूरी है कि तुम अपने सफर पर आगे बढ़ो और अपने दूसरे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करो। आप तो इतना सब कुछ जानते हैं बाबा, तो क्या आपने नेकी कर दरिया में डाल जैसी कोई बात सुनी है? या इस सवाल का जवाब ढूंढने में आप हमारी मदद कर सकते हैं? इसका जवाब तो नेकी का फरिश्ता ही जान सकता है। हाँ, मैं तुम्हें वो चीज जरूर लौटा सकता हूं जो तुमने कहीं खो दी थी। ये तो वही नक्शा है जो उस जिन ने हमें दिया था, और ये लकीरें, इन्हें तो हमने आसमां से भी देखा था, लेकिन पता नहीं उसके बाद हमारा जहाज कहां टूटकर गिर गया। तुम नस्का की लकीरों से ज्यादा दूर नहीं हो। कश्मान यहां तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन आगे का सफर तुम्हें खुद तय करना होगा। लेकिन बाबा, इस नक्शे के दूसरे हिस्से में जो लिखा है वो समझ नहीं आता, क्योंकि ये बहुत ही कदीमी जबान में लिखा हुआ है जो कब की खत्म हो चुकी है। लेकिन हाँ, अभी भी दुनिया में एक इंसान ऐसा है जो इस जबान को पढ़ और समझ सकता है। कौन है वो बाबा, और हमें वो कहां मिल सकता है? एलास के जजीरे में, वहां एक सराय में
मबरूक नाग का एक बावर्ची है। उसकी सुनहरी आंखें दुनिया के कदीम से कदीम जबान को समझ और पढ़ सकती है। वो इस नक्शे को पढ़कर तुम्हें तुम्हारे उस दूसरे सवाल के जवाब तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करेगा। बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं। अगर आप ना होते तो आतिम, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ था और हमेशा रहूंगा। शर्जील, हम सब चलने के लिए तैयार हैं। साथ हमेशा बना रहे। इस सफर के साथ तुम्हारी दोस्ती और भी मजबूत हो। कश्मान, खैर से आओ। हातिम, नस्का की लकीरों से बाहर तो निकल पाए, वरना जिंदगी भर यूं ही भटकते रहते, गोल घूम गोल घूम। यहां से हमें अहलास के जजीरे के लिए कोई कश्ती लेनी होगी।
वहां की सराय का एक बावर्ची मबरूक से हमें यह पता चलेगा कि नक्शे के दूसरे हिस्से में क्या लिखा है। सुनील कहिए, ये अहलास के जजीरे के लिए कश्ती कहां से मिलेगी? पता नहीं, इनसे पूछते हैं। जनाब, क्या आपको पता है अहलास के जजीरे तक जाने की कश्ती कहां से मिलेगी? नहीं, मुझे किसी भी जजीरे के बारे में पता नहीं। सुनिए भाई, शहजादे हसन का हमशक्ल है। तकलीफ है, कौन है ये तेरा? चल काम कर। हातिम, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं, हमें जल्द से जल्द इलाज पहुंचना है और नक्शे के दूसरे भाग का मतलब समझना है। चलो। लेकिन ये नाइंसाफी है हातिम, समझती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन जो तुम सोच रहे हो सही नहीं है। कि तुम्हारे भाईजान नहीं है, सिर्फ उनकी हमशक्ल। भाई नहीं है तो क्या हुआ, इंसान तो है। छोड़ दो इन्हें। तू ऐसे नहीं मानेगा, पहले तुझे ही बताता हूं।
परिजात, आतिम सब संभाल लेगा, चलो पीछे। लेकिन काशी, अरे चल चल। और क्या चाहते हो मेरे गुलामों से? मैं यमन का शहजादा हातिम हूं और मैं चाहता हूं कि तुम इन्हें रिहा कर दो। ये यमन नहीं है शहजादे, मेरा इलाका है और ये सब मेरे गुलाम जिन्हें मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है। तुम इसे आजाद करना चाहते हो ना, तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी और यदि उस कीमत को चुकाने में तुम कामयाब हो गए तो मैं इसे ही नहीं बल्कि सारे गुलामों को आजाद कर दूंगा। मैं इसके लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हूं। जल्दबाजी में कोई भी वादा मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछतावा हो। तुम एक ताकतवर योद्धा हो, मैंने देखा है तुम्हें लड़ते हुए, लेकिन जो कीमत मैं तुमसे मांगने जा रहा हूं उसे सुनकर तुम इसे छोड़कर यहां से चले जाओगे। अच्छे अच्छे को तबाह कर देते हैं लाका, क्या ये भाई का प्यार उस हातिम को ले डूबेगा और उधर मैं अपनी मंजिल वक्त के पहिए तक पहुंच जाऊंगा। जरूर जरूर मेरे आका, समय के उस पहिए तक पहुंचने के लिए आपको इस कायनात के सबसे पहले तारे अल जौजा तक पहुंचना होगा, क्योंकि वहीं से तो वक्त की शुरुआत हुई थी। लेकिन लेकिन क्या अल जौजा इस कायनात का सबसे चमकदार तारा, लेकिन इसके बावजूद वो एक जैसे दिखने वाले अरबों चमकदार सितारों में छुपा हुआ है।
अगर इस बीच हातिम ने सात सवालों का हल ढूंढ लिया तो उसके लिए मत गिना मुझे, मुझे यह बता कि हल क्या है। एक हल है मेरे आका, एक हल है। तुम कीमत तो बोलो, मैं किसी भी तरह से उसे चुकाऊंगा। इन सब की आजादी की कीमत है मेरी बेटी बहार। मेरी बेटी बहार को इराज के अखाड़े का सबसे बड़ा योद्धा कोइबा उठा कर ले गया और उसी से लड़ने के लिए मैंने इन सब गुलामों को खरीदा था। लेकिन जानते हो क्या हुआ? और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वो इंसान नहीं, दरिंदा है, दरिंदा। उसे कोई नहीं मार सकता, कोई भी। जाओ शहजादे, क्यों बेकार में अपनी जान गंवा रहे हो? जाओ अपने रास्ते जाओ। मैं लड़ूंगा उससे। लेकिन एक वादा करो मुझसे, अगर मैंने उसे हरा दिया तो तुम इन सब गुलामों को आजाद कर दोगे। मैं वादा करता हूं, अगर तुम मेरी बेटी को वापस ले आए तो मैं इन सब गुलामों को आजाद कर दूंगा। क्या कर रहे हो तुम? जज्बात में आकर ये मत भूलो कि हमारी मंजिल कुछ और है। चलो। ना इंसाफी से लड़ना ही मेरी मंजिल है। जरगाम की कोई चाल हो और वो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोक रहा है, तो फिर इसे मैं अपनी तकदीर समझूंगा। लेकिन जरगाम के डर से मैं अपने असूल नहीं बदल सकता। आप बताइए कहां मिलेगा ये कोइबा? आओ मेरे साथ आओ। अरे शैतान की खाला, तुम खामखा परेशान हो रही हो। जब वो जरगाम हातिम का कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो ये छोटा मोटा सांड का बिगाड़ लेगा, है कि नहीं? चले। इस कदीम किताब में एक हल है मेरे आका, जिसकी मदद से आप एक ही समय पर दो जगह मौजूद रह सकते हैं। बस इसके लिए आपको अपनी रूह को दो हिस्सों में बांटना होगा, और अगर ऐसा हो गया, जब तक आपका एक हिस्सा समय के उस पहिए तक नहीं पहुंच पाता, आपका दूसरा हिस्सा
हातिम को आगे भी नहीं बढ़ने देगा। शाबाश। ये बात की ना तूने लाका। पता मुझे कि मैं अपनी रूह को दो हिस्सों में कैसे बांटूंगा। पता मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, कुछ भी। क्या हुआ लाका? बोलता क्यों नहीं? आका, इसके लिए आपको उसकी जान की कुर्बानी देनी होगी जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और ऐसा आपके पास कोई नहीं है। दरअसल हम नहीं, वो आपको ढूंढ रहा है। दारुश की बेटी बहार को लेने आया। अच्छा, तो फिर तुझे मुझसे लड़ना होगा। मैं तुमसे लड़ तो लेता, पर क्या है ना, तुम मुझसे मुकाबला करने के लायक ही नहीं, क्योंकि मुकाबला तो बराबरी वालों में होता है, और तुम Ha ha ha!
कुर्बान मेरी जान, लगा लो दिल खोल के लगाओ। एक का दो, दो का चार, मत कर सोच विचार। हातिम पे जो लगाएगा तो पाएगा, वरना खड़ा खड़ा पछताएगा। लगाओ लगाओ दिल खोल के लगाओ। आजा। डरा नहीं, लेकिन मुझसे लड़ने के लिए तुम्हें मेरी चुनौती कबूल करनी होगी। चुनौती? कैसी चुनौती? तुम्हें खुली आंख से वो करना होगा जो मैं बंद आंख से कर सकता हूँ। ये कैसी चुनौती है जो तुम बंद आंखों से कर सकते हो? वो मैं कोई बात खुली आंखों से नहीं कर सकता। बताओ क्या है चुनौती? बताता हूं, लेकिन पहले वादा करो मुझसे कि अगर तुम चुनौती हार गए तो कोई लड़ाई नहीं होगी। और तुम बाहर को रिहा कर दोगे। जबान दी, बोलो क्या करना है? कसम। जो हुक्म आते हैं। सांड भाईजान, आंखों में डाल लो, लाल मिर्ची तो है वरना हार जाओगे। हाँ ले लो।
आप हार मान ले और बहार को रिहा कर दे। तुम में कुछ खास बात है, इसीलिए तुम मुझे हरा पाए। हाँ, मैं हार मानता हूं। जाओ, बाहर को लेकर आओ। शहजादे हातिम जिंदाबाद, 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 शहजादे हातिम जिंदाबाद। वो बाहर, मेरी बेटी, बेटी तो ठीक है ना बेटी? आपका बहुत बहुत शुक्रिया शहजादे हातिम। अगर आज आप नहीं होते तो इस जन्म में मैं अपनी बच्ची से कभी नहीं मिल पाता। मेरी बेटी की जुदाई ने मेरे मन में कड़वाहट भर दी थी और इसीलिए मैं आपको न जाने क्या क्या कह गया। उसके लिए आप मुझे माफ। आप माफी मत मांगिए। अपनों से बिछड़ने का दुख क्या होता है ये मैं जानता हूं। शहजादे हातिम, शहजादे हातिम, मैं बशीर, मैं हम सब गुलामों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपने हमारे लिए जो किया वो तो कोई अपनों के लिए भी नहीं करता है। ये बेचारा एक बेसहारा इंसान है। एक जहाज वाला मुझे इसे बेच कर गया था। ये अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुका है। ये कौन है, कहां से आया, इसे कुछ भी याद नहीं। ध्यान से देख हातिम, ये तेरा भाई नहीं, तेरी बर्बादी है। अगर अफसोस, तुझे तेरे भाईजान का प्यार इस कदर अंधा कर देगा कि तू कुछ सोच समझ नहीं पाएगा और इसके साथ हो जाएगा तेरा सफर शुरू होने से पहले ही खत्म। सिर्फ मेरा एक बार, इन सबको पता भी नहीं चलेगा के साथ हुआ क्या। बच सकता है तो बच मेरे वार से हाथ।